हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर की यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली फ्लिपकार्ट पे Realme का नया मोबाइल सेल जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है यहाँ पर Realme डे सेल, जो कि 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में रहने वाला है। लिटरली धमाकेदार स्मार्टफोन डील्स वहां पर आपको देखने को मिल रही है, ऐसे तो ऑफर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ बैंक ऑफर वगैरह भी यहाँ पर इंक्लूड करा गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड कौन कौन से स्मार्टफोन आज की डेट में वो सेल में आपको लेना चाहिए, कौन से स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, पुराने हो चुके हैं, ये ऑफर इतना जबरदस्त नहीं मिल रहा है, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का, आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल डेज के बारे में। तो 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई, मतलब 5 दिन का यहाँ पर ये सेल रहने वाला है। बैंक ऑफर की अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर ऑफर है, दो ऑफर है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं। SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर आपको ऑफर देखने को मिलेगा, एक नॉन EMI वाला ऑफर है, एक विथ EMI ऑफर है। अगर आप डायरेक्टली स्वाइप करते हो, क्रेडिट कार्ड से फुल पेमेंट करते हो, तो 750 रुपये का मैक्स डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, जबकि अगर आप EMI ट्रांजेक्शन करते हो SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से, तो 1000 रुपये का आपको फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दो ऑफर है, ये चीज का यहां पर आपको ध्यान रखना है। अगर मैं लाइन से सारे आपको Realme के स्मार्टफोन्स बताऊंगा, कितने ऑफर मिल रहे हैं, वो प्राइस पॉइंट पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, स्पेक्स वगैरह पूरे गिनाते नहीं बैठूंगा, वीडियो फालतू में बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है क्या स्पेक्स कौन से स्मार्टफोन पर करंटली आपको देखने को मिल रहे। तो फटाफट से बोलूंगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ आपको ऑफर देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो आता है Realme की तरफ से Narzo 30A, 8250 रुपए में इसका बेस आपको देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफर लगाओगे 750 रुपए भी अगर आप पकड़ते हो, तो लाइक आपको अराउंड ये मिल जाएगा 7500 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है बजट कैटेगरी में, हीलियो G85 फॉर 7500 रुपीज, जस्ट अमेजिंग। बड़ी बैटरी, बड़ा डिस्प्ले, अमेजिंग परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी देखने को मिलती है, डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें तो आता है Realme का Realme 8। ऐसे तो ये 4128 वाला आपको 15000 रुपए में देखने को मिलता है, लेकिन ये ऑफर के दौरान आपको डायरेक्टली फ्लैट 14000 रुपए देखने को मिल रहा है। इस पर अगर आप क्रेडिट कार्ड का ऑफर वगैरह लगा देते हो तो 13250, या अगर आप EMI वगैरह कराते हो तो 13000 रुपए के आसपास मिल जाता है। वो प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन डील है। 13000 रुपए में 128GB की स्टोरेज, हीलियो G95, एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 30W की फास्ट चार्जिंग, जबरदस्त डील है, डेफिनेटली इसे भी ग्रैब करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें तो काफी जबरदस्त ऑफर मिल रहा है Realme X7 5G पे। ऐसे तो 628 वाला वेरिएंट 20000 रुपए का आपको मिल रहा था, लेकिन ऑफर में डायरेक्टली 2000 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब 18000 रुपए का मिल रहा है। एंड SBI का क्रेडिट कार्ड अगर आप लगाते हो तो 17000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन आप ये रेंज में कह सकते हो। एमोलेड भी मिल रहा है, 5G भी मिल रहा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में स्मार्टफोन भी मिल रहा है। एमोलेड और 5G दोनों चीज चाहिए, तो 18000 रुपए में भी काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। SBI का कार्ड लगाओगे 17000 रुपए में, तो एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहां पर Realme X7 Pro 5G 30000 रुपए का पहले आपको मिलता था, लेकिन ये ऑफर के दौरान 27000 रुपए का मिल रहा है। मैं बोलूंगा इसकी जगह पे X1 Max लोगे, मेरे हिसाब से बेटर डील रहेगी, तो आपको इसको देखना चाहते हो देख सकते हो, मतलब ठीक ठाक है, मतलब ये प्राइस पॉइंट पे एवरेज स्मार्टफोन है, मतलब इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर Realme 7 Pro, जी हाँ, ऐसे तो 628 वाला 20000 रुपए का मिलता है, लेकिन ऑफर के दौरान सिर्फ आपको 16000 रुपए का मिल रहा है 628 वाला वेरिएंट। आप बोल सकते हो SBI का क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो आपको 15000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। वो प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन विद कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, सीधा सीधा मैं आपको कह सकता हूँ। एमोलेड डिस्प्ले है, लाइट वेट है, छोटा डिस्प्ले आपको 6.4 इंच का देखने को मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, कैमराज अच्छे है, 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, किलर डील, 15 से 16000 रुपए का बजट है, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, ये डील के दौरान आप जो है ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें तो ये Realme का है Narzo 30 Pro 5G। ऐसे तो 664 वाला वेरिएंट 17000 रुपए में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये ऑफर के दौरान आपको सिर्फ 15500 रुपए का देखने को मिलेगा। SBI का बैंक ऑफर लगाओगे 14500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ये भी काफी तगड़ा 5G स्मार्टफोन है, मैं सीधा सीधा अगेन एंड अगेन बोलूंगा, अगर 15000 रुपए के अंदर अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए, तो इससे बेटर 5G स्मार्टफोन आपको करंटली इंडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि डुअल 5G का तो सपोर्ट है, बैंड्स वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ
डायमेंसिटी 800U की परफॉर्मेंस, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 30 वॉट की चार्जिंग, कोई भी 15-16 हज़ार रुपए की रेंज में प्रोवाइड नहीं करा रहा है 5G स्मार्टफोन के साथ में, तो डेफिनेटली देखना चाहते हो देख सकते हो, काफी तगड़ा 5G स्मार्टफोन है 15,000 रुपए की रेंज में। नेक्स्ट यहां पर Realme C21 8,000 रुपए का 3 32 है, मतलब ये इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है, हीलियो G35 वगैरह मिलता है, इतना कुछ खास नहीं है, तो इसको स्किप करना चाहते हो कर सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट लॉन्च हुआ Realme का नार्जो 30 4G स्मार्टफोन है, जिसका बेस ब्रांड है वो आपको 12,500 रुपए का देखने को मिल रहा है, तो ठीक है डिसेंट स्मार्टफोन है, देखना चाहते हो देख सकते हो। वैसे बता दूं ये स्मार्टफोन पे आपको SBI का पता नहीं ऑफर वगैरह लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो सीधा सीधा आपको 12,500 रुपए में परचेस करना पड़ेगा, तो ठीक है हीलियो G95 मिल जाता है, 30 वॉट की चार्जिंग है, डिस्प्ले वगैरह मतलब काफी डिसेंट इनफ देखने को मिलता है, देखना चाहते हो देख सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आपको अच्छा लगता है तो देख सकते हो। नार्जो 35G 16,000 रुपए में स्किप कर दो, इसके बदले में जो है सेम प्राइस पॉइंट पे ऐसे चीपर प्राइस पॉइंट पे नार्जो 30 प्रो मिल रहा है, मेरी समझ के बाहर है कि प्रो वाला वेरिएंट सस्ता है, ये महंगा है क्यों, और बल्कि उसमें स्पेक्स वगैरह काफी जबरदस्त मिलते हैं, तो नार्जो 35G बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, प्रो 5G के साथ में आप जा सकते हो। नेक्स्ट यहां पर Realme का X1 Max 5G 27 में लॉन्च हुआ था, अभी भी 27,000 रुपए में मिल रहा है, लेकिन SBI का ऑफर लगाओगे 26,000 रुपए का मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले एंड सारी चीजें मतलब तगड़ी मिलती है आपको, मतलब परफॉर्मेंस भी डायमेंसिटी 1200 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, देखना चाहते हो देख सकते हो, 25 से 30,000 रुपए का बजट है, तगड़ा फ्लैगशिप किलर टाइप की परफॉर्मेंस चाहिए 5G के साथ में, डेफिनेटली देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें तो Realme का बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है Realme C20 7,000 रुपए का इसका बेस रेंट देखने को मिल रहा है, देखना चाहते हो देख सकते हो, वैसे आपको बता दूं इस पे भी आप SBI बैंक का कार्ड अप्लाई नहीं कर पाओगे, बट स्टिल 7,000 रुपए में डिसेंट ऑप्शन है, देखना चाहते हो देख सकते हो अगर बहुत ज्यादा टाइट बजट है तो, वन अगर आप 1,000 रुपए बढ़ा सकते हो तो मैं बोलूंगा नार्जो 30A के साथ में जाओ, वो इससे फार बेटर डिवाइस आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पर Realme C25 10,000 रुपए में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, स्किप कर दो, मार्केट में से फार बेटर ऑप्शन जो है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें तो आता है Realme की तरफ से Realme 8 Pro 18,000 रुपए का देखने को मिल रहा है, कुछ भी ऑफर वगैरह आपको इस पे देखने को नहीं मिल रहा है, हाँ SBI का कार्ड लगाओगे 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा ये इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है देखना चाहते हो देख सकते हो, 108 मेगापिक्सल अगर आपको कैमरा चाहिए ही चाहिए तो देख सकते हो, अदरवाइज मैं बोलूंगा ये रेट में अगर आपको फोन लेना 18,000 रुपए की रेंज में 628 के साथ में Redmi Note 10 Pro इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन बाय राइट नाउ, तो डेफिनेटली Note 10 Pro के साथ में जाओ compared to this one। And next smartphone deal की बात करें तो Realme 8 5G 14,000 रुपए का देखने को मिल रहा है, इतना recommended नहीं है, तो ये 1,000 रुपए बढ़ा दोगे Narzo 30 Pro 5G देखने को मिलेगा, जो कि इससे far far better device आप कह सकते हो, चाहे performance की बात करो, display की बात करो, fast charging की बात करो, तो Realme 8 5G as well as Narzo 30 का जो 5G variant है skip कर दो, उसके बदले में जो है आप Narzo 30 Pro 5G देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर Realme C25s 10,500 रुपए में स्किप बिल्कुल भी नहीं देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर Realme C12 8,000 रुपए में नहीं देखना है, ठीक ठाक है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है, इसके फार बेटर आप बोल सकते हो Narzo 30A है। नेक्स्ट यहाँ पर Realme C15 9,000 रुपए में स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर Realme X3 सुपर जूम पुराना भी हो चुका है, IPS डिस्प्ले 22,000 रुपए में, एंड इतना कुछ खास नहीं है, खाली स्नैपड्रैगन 855 प्लस देखने को मिलता है, तो इसको भी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट डील मेरी फेवरेट डील है Realme X50 Pro 5G, जी हाँ लॉन्च होता जब 40,000 रुपए के आसपास था, अभी सिर्फ जो इसका 8128 वाला वेरिएंट है 25,000 रुपए का देखने को मिल रहा है, वो प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो, यार आपको 90 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी ग्लास और एल्युमिनियम की देखने को मिल जाती है, एज वेल एज स्नैपड्रैगन का 865 देखने को मिल रहा है, 5G देखने को मिल रहा है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, मतलब जबरदस्त स्मार्टफोन है, 25,000 रुपए का है, SBI कार्ड के साथ मिलोगे 24,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा, तगड़ा स्मार्टफोन है, देखना चाहते हो देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर Realme का Narzo 20 एंड ये आपको 10,500 रुपए में मिल रहा है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, स्किप कर दो। नेक्स्ट है Realme C11 7,500 रुपए का है, इससे फार बेटर ऑप्शन आपको Narzo 30A मिल रहा है, तो C11 आप क्यों परचेस करोगे समझ के बारे, इसको भी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर Realme Narzo 20 Pro 15,000 रुपए का है, 15,000 रुपए में मैं बोलूंगा इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है, हाँ ये ऑफर के टाइम पे आगे चल के फ्लिपकार्ट पे मैं आपको बोल सकता हूँ 12-13,000 रुपए की रेंज में मिलेगा, वो टाइम पे आप इसे परचेस करना, 15,000 रुपए में इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। तो ये सारी डील्स यहाँ पर आपको Realme डेज सेल में देखने को मिल रही है, मैंने जो आपको रिकमेंड करो मतलब काफी तगड़ा ऑफर आपको देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली देख सकते हो, SBI का क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ हो जाता है तो और बेटर डील वहां पर वो बन जाएगी, तो देखना चाहते हो देख सकते हो, एंड डेफिनेटली ये सेल के दौरान Realme का कोई स्मार्टफोन
फोन लेना है देख सकते हो। तो गाइस ये थे हमारी ऑनेस्ट ओपिनियन वाली वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको डील्स कैसी लगी एंड इसमें से आपकी फेवरेट डील कौन सी है, कोई स्मार्टफोन आप लेने जाओगे नहीं जाओगे, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।